बाकी अगर चमत्कार आपको देखना हो तो आपको ऐसी जगह आना बहुत जरूरी है। और आज बाकी हम दोनों ने भी चमत्कार देखा हुआ है। हम सुबह रुद्रपुर से 70 किलोमीटर दूर चल के आए यहाँ तक। आज करीब 3 महीने बाद मैं फिर से अपना एक ब्लॉग बना रहा हूँ। आज 3 महीने हो गए थे, मेरी लेग इंजरी हुई थी, अभी थोड़ा रिकवर हुआ है, लेकिन मैं बाइक चला सकता हूँ नहीं। तो बाइक चलाएगा मेरा फ्रेंड नीरज। नीरज सेट हुआ है, नीरज बाइक चलाएगा और मैं पिलन में पीछे राइड करूंगा उसके साथ। और आपको एक बहुत अच्छी जगह लेके जा रहा हूँ मैं आज, नई प्लेस में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका ट्रेवल गाइड आदि उपाध्याय। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से एक ब्लॉग बना रहा हूँ, अभी चलते हैं उसी की ओर। पूरा रास्ता आपको मैं दिखाता हूँ। अभी फिलहाल हम रुद्रपुर में हैं, क्योंकि मैं रुद्रपुर में रहता हूँ। रुद्रपुर से हल्द्वानी होते निकलेंगे उस खूबसूरत। जो डेस्टिनेशन है काफी खूबसूरत है आज, और मजा आएगा वहाँ जाने में, क्योंकि बहुत अच्छा मिलेगा हमको वहाँ पर का नज़ारा, और वो नज़ारा काफी खूबसूरत और मौसम भी काफी अच्छा। हाँ, संडे है तो ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है आज। बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, नैनीताल, सात ताल, नब्बी ताल। जो हमारी भी डेस्टिनेशन हुआ करती थी, वो आपने सारे वीडियो पुराने में देख लेना, उसमें आपको सात ताल, नैनीताल सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल एहसास हो रहा है कि बाइक चलाना मजा, बाइक के पीछे बैठने में गेम। हल्द्वानी अभी पहुंचे ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी के। हल्द्वानी काफी बड़ा हो गया पहले से, अब तो वॉक काफी दूर से करीब 13-13 किलोमीटर चारों ओर फैला हुआ है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार हल्द्वानी है। थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यार, वैसे कुछ खाया नहीं, कल रात भी लेट हुए थे, कोई दोस्त आया हुआ था तो सुबह टाइम मिला नहीं, तो यहीं कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ के हमारे छोले कुलचे रहता, काफी फेमस है। सामने का व्यू देख रहे हो आप, बिल्कुल जबरदस्त व्यू हो रहा है। बिल्कुल बादल बादल से घिरे हुए पूरे पहाड़, और वो भी बिल्कुल काले बादल। अभी हम हैं हल्द्वानी में, मैं नाश्ता करने के बाद निकले, थोड़ा धूप आ गई है, लग रहा है कि हम लोग पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन तो आपको पता चली क्योंकि अभी तक हम कहाँ जा रहे हैं। मैं अभी तो हल्द्वानी में, अभी पता चलेगा कुछ देर बाद पता चलेगा। सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। ना सफर और ये मौसम हसी, शानदार नजारा बिल्कुल। देखो आप, हरियाली हरियाली सावन के अंदर देखो, हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, और मैं हूँ सावन का अंदर। लेकिन सामने का व्यू देख रहा आप, तो बैक हो पूरे बादल नीचे तक आए हुए हैं पूरे। थोड़ा जूम करता हूँ वीडियो को, ये देखो, ये कितना जबरदस्त व्यू है भाई। सब नैनीताल पूरा का पूरा बादल ढका हुआ है, लेकिन मैं नैनीताल नहीं जा रहा हूँ, सस्पेंस बाकी है। पहुंच गए हम काठगोदाम, कुमाऊं का द्वार, काठगोदाम रेलवे स्टेशन। काठगोदाम से यात्रा स्टार्ट हो गई फिर से कुमाऊं की, यह है कुमाऊं का द्वार। क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है, लेकिन यहाँ पे आज तक अगर कोई ट्रैफिक के निजात जाने के लिए कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया गया, चाहे कुछ भी हो यहाँ पे, लेकिन काफी जब भी आता हूँ तो हमेशा ट्रैफिक में फंसना ही पड़ता है, जितनी बार भी मैं आया हूँ। और रोड भी काफी कंजेस्टेड है, दोनों ओर से बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और बीच में रोड है, साथ में हिपरी आपका यहाँ का रोडवे स्टेशन भी है काठगोदाम का। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा जाम रहता है। अभी भी आपको मालूम नहीं होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, लेकिन अब
धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर आपको पता चल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो आप कमेंट करें जल्दी से और बताएं मैं कहाँ जा रहा हूँ वीडियो पूरा होने तक। ठीक है, अब यहाँ से हमने लेना है राइट टर्न। राइट टर्न लेने के बाद हम लोग जाएंगे यूं नीचे। बकरा काफी बड़ा है यार। आ जा रहे हैं, बोर्ड में भी लिखा हुआ है लेकिन तो पता चल ही गया होगा वैसे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। देखिए गोला नदी पूरे उफान पर, शानदार नजारा गोला नदी का, लेकिन यहाँ थोड़ा पानी कम है। मैंने कभी कभी ये पूरी नदी बहते हुए देखी है, आज सोचता कि इस बार बारिश कम हुई है तो इसलिए पानी भी कम नजर आ रहा है। और उधर की वैली देखिए आप सामने वाली रोड का ही गोला पार्क हो, हम जाएंगे ऊपर सीमा प्रारंभ छकाता रेंज। अब आपको पता लगा होगा कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हेरा खान बाबा के मंदिर में आज। काफी सुंदर रोड और साथ में नजारे अपने अलग ही। सामने का नजारा तो और भी जबरदस्त है, देखिए पूरा हल्द्वानी शहर और ये पूरी गोला वैली, इधर पूरा गोला पार। थोड़ा जूम करता हूँ, देखो पूरा शहर दिखाई दे रहा है हल्द्वानी यहाँ से। मजा आ गया, क्या व्यू है, जबरदस्त व्यू है, फोटो भी बनता है यहाँ पे, एक काफी खूबसूरत है। मन कर रहा है कि यहीं बैठ के पूरे शहर को निहारते रहे। भाई साहब बहुत ज्यादा थक चुके हैं हमारी गाड़ी चला चला के, और डेस्टिनेशन है जो वो आ नहीं रही है जल्दी जल्दी। 10 किलोमीटर भी और है और रोड तो काफी सिग्नल है, कभी अचानक से गाड़ी आ जाए तो गाड़ी भी बहुत हल्की जानी है, कभी मड़ी है बहुत ज्यादा और बारिश होने की वजह से थोड़ी खराब भी हुई है कहीं कहीं पे, तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक चलानी पड़ रही है गाड़ी। वैसे ट्रैफिक इस रोड में ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब मजा काफी आ रहा है, सफर काफी खूबसूरत है, मोड़ बहुत ज्यादा है ना। बैंड इतने हैं कि बहुत शार्प बैंड भी है और सबसे ज्यादा शार्प है बैंड, और कहीं पे बिल्कुल डाउन आ जाता है, कहीं पे बिल्कुल स्टीप आ जाती है रोड पे, ये भी थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, मौसम तो तारीफ बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। नजारे भाई साहब बहुत जबरदस्त हैं यार, मजा आ गया, कसम ही हुए। अभी नीरज कुछ देर पहले ऐसा बोलने लग गया कि यहाँ आके लग रहा है कि चौमास आ गया है। चौमास कुमाऊनी में एक शब्द है चौमास, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मानसून आ गया, तो हमारे यहाँ कुमाऊनी भाषा में बोला उसको जाता है कि चौमास आ गया है। चौमास मतलब बहुत ज्यादा बारिश होगी, बहुत सारे खेत खलिहान हरे हो जाएंगे, पूरे पेड़ पौधे हरे हो जाएंगे। ये हमारा यहाँ एक त्योहार ही मनाया जाता है हरेला, हरियाली का प्रतीक है। जो से करीब एक साल पहले उत्तराखंड के महान लोक गायक पप्पू कार्की जी का यहाँ पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उनका निधन हो गया था। ये हेड़ा खान से करीब 2-3 किलोमीटर ऊपर है। ये बहुत प्रसिद्ध गायक हैं पप्पू कार्की जी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। उनके याद में यहाँ पे ये स्तूप बनाया गया है, स्मृति बनाई गई है उनकी याद में। ये आपको यहीं पे मिलेगा हेड़ा खान मंदिर से थोड़ा ऊपर, पंचायत हेड़ा खान विकास खंड भीमताल आपका हार्दिक स्वागत करता है। वीआईपी रेस्ट हाउस हेड़ा खान, मतलब यहाँ पर रेस्ट हाउस भी है लेकिन वो वीआईपी लोग के लिए है, आप लोग के लिए तो नहीं हो पाएगा। क्या होता है आगे कोई होटल वगैरह हो वो भी देखते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो। हम लोग तो वापस से जाएंगे जोधपुर से, हमने ये दूरी तय की है करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय की हुई है। आप नीचे नदी की वैली का नजारा देख सकते हो, बच्चे नहा भी रहे हैं पानी में, सोचता है कि मैं भी नहा लूं। वो देखो आप नीचे वैली का पूरा, किसी टाइम पे नदी पूरी भी आती होगी यहाँ पर। एट लास्ट वी रीच एट हेड़ा खान मंदिर, उसके बाद शॉप है, कुछ चाय की दुकानें हैं।
यह मंदिर का कुछ ऐसा नजारा। यहाँ पर हमने उतारे अपने सूज, सूज यहाँ पर उतारने हैं, उसके बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। सामने मंदिर पूरा, मेरे साथ हैं इस मंदिर के बाबा जी जो हमको मंदिर के बारे में पूरा बताएंगे। मैंने एक किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब थी, उसमें पढ़ा था कि बाबा जी यहाँ हराखान वाले बाबा 1800 से 1920 तक रहे पुराने बाबा। उसके बाद वो जब अंतर्धान हुए तो बता गए फिर मैं फिर आऊँगा। मैं 1970 में भी बाबा जी आए ये, और यहाँ पर इनने 9-10 मंदिर बनाए। चिल्लियालाला में है उनका मंदिर, धनियान में है, वृंदावन में है, ग्वालियर में है, कई जगह इनके मंदिर हैं, विदेशों में भी इनके मंदिर हैं, और सब भक्त लोग इनके दर्शनों का दर्शन करने के लिए। जो बाबा थे ना वो अंग्रेज थे या कि मतलब वो हिंदुस्तानी थे? बाबा जी के बारे में कौन था, कौन थे, कहाँ से आए ये कोई पता नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ कि भक्तों ने अनुभव किया ऐसा। हाँ। कि किसने ये सोचा कि ये मेरे भाई हैं, किसने ये सोचा मेरे गुरु हैं, और कि इस अनेक रूपों में देखा उनको, तो उसी तरह से बाबा जी ने अलग अनेकों जगह पर एक ही समय में दर्शन दिए और मृतकों को जीवनदान दिया, बहुत सी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की, उनकी कई भंडारे किए, बहुतों की शादियां की जिनकी शादियां नहीं होती थी, नौकरी लगाएगी बहुतों की, और वो जग कल्याण करने के लिए आए। नहीं, एक उनके अनेकों नाम हैं, सदगुरु उनको कहते हैं, मुनिंद्र महाराज उनको कहते हैं, और हेड़ा खान वाले बाबा उनको कहते हैं, हड़िया खंडी उनको कहते हैं, भोले बाबा उनको कहते हैं, अनेकों नामों से उनको भक्त लोग जानते हैं। जो मतलब यहाँ बाहर से आते हैं ना, अंग्रेज लोग आते हैं, ब्रिटिश लोग आते हैं पूजा करने के लिए, तो उन बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं वो लोग। वो आस्था रखते हैं, वो कहते हैं हमारे देशों में सब कुछ है, कहते हैं शांति नहीं है, शांति के लिए वो यहाँ आते हैं। अच्छा। और बाहर बारिश बहुत तेज हो गई है, नदी में बहाव भी बहुत ज्यादा तेज हो गया। वो आप सामने 9 मंदिर देख रहे हैं, उसके ठीक शीर्ष में स्थित है छोटा कैलाश मंदिर। यहाँ से नीचे गुफा जाती थी, बाबा जी ऊपर तपस्या करते थे छोटा कैलाश में। छोटा कैलाश में बाबा जी तपस्या करते थे, इसलिए उस छोटा कैलाश उनके द्वारा बनाया गया, ये आप समझ लीजिए छोटा कैलाश जो मंदिर है। और सामने 9 मंदिर है, हम लोग वहाँ जा सकते क्योंकि पार नदी को पार करना बहुत टफ है अभी। ये जो रिवर है हम इसे गौला नदी तो बोलते हैं, लेकिन मुझे आज पता चला है इसका नाम गौतमी गंगा है, और ये सिर्फ हेड़ा खान बाबा की सेवा के लिए यहाँ पर आई थी, इसलिए मैं इसे ज़्यादातर हमेशा सूखा पाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमेशा पानी होता है इसमें ज़्यादातर। इसमें आपको हमेशा यहाँ पर पानी मिलेगा, लेकिन आपको काडोदाम से नीचे इसमें पानी कमी होता है, इससे बरसात बरसात में आता है। मैं आपको हेड़ा खान बाबा के बारे में पूरी उनकी कहानी मिलेगी। और जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई, और अभी क्या है, अभी पूरा आसमान ऊपर तक खुल चुका है, हम लोग वापस भी आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अंदर बाबा जी ने हमको बोला कि ये आपको बाबा जी ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक चमत्कार किया हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ आधे घंटे बैठे रहे मंदिर के अंदर करीब, और ये हमारे लिए बाकी चमत्कार है। देखिए अभी धूप आ गई है, और अभी तक बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, करीब आधा घंटा बारिश हुई बहुत तेज, और हम लोग बिल्कुल भी नहीं भीगे। ये भी एक वाकई मिरेकल है। और ये वाला वीडियो आप पूरा देखना, अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे क्या होगा कि मेरे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे।